सो हेलो गाइज, इट्स मी एरिक्स रोस्टर। तो और भाई लोग क्या हाल है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। अरे यार, मैं ये बार बार क्यों बोलता, थंबनेल में तो तुमने देख ही लिया होगा। तो मैं इनके लिए दो लाइन की एक शायरी पेश करना चाहूंगा। तो आज हम ना ही बात करेंगे छपरियों की फटी जीन्स की, ना ही गरीबों की स्कूल फीस की, हम बात करेंगे यूट्यूब के कॉन्ट्रोवर्सी किंग एल्विश की। तो जल्दी से अपनी ईयरफोन अपने कानों पर लगा लो क्योंकि मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं बिल्कुल भी पारिवारिक कंटेंट नहीं बनाता हूँ। तो चिंटू जल्दी से पहली वीडियो लगा। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहते हो, हाँ। तो बल्कि सभी होना चाहते हो, हाँ भाई हाँ। मैं आप लोगों के लिए दो ऐसी ट्रिक लेकर आऊं, तुम कहोगे एलिस भाई तुमने गांडी फाड़ दी। पहली ट्रिक सुनो, मेहनत करो बहन, जो सब चीज हो जाएगी। और दूसरी सुनो, छपरी बन जाओ क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ छपरी बहुत चल रहे हैं। तो उन छपरियों को छपरी बनना भी इसी ने सिखाया था क्योंकि इसकी खुद की स्टार्टिंग वीडियोस में ये सर पे पट्टी बांध के, गांड पे टट्टी बांध के आ गया है। तो भाई मतलब इस जोकर में ऐसा टैलेंट है कि ये ऐसा मुंह बना सकता है जैसे किसी ने इसकी गांड में डंडा चढ़ा दिया हो। हैशटैग सेल्फ रोस्ट। तुम्हें क्या लगता है एल्विश ने हिपोक्रेसी सिर्फ एक बारी की है? अरे नहीं यार, एल्विश ने तो हिपोक्रेसी की इतनी सीमा पार कर दी है जितने की चाइना ने LOC पे, और उन्होंने अपना मुंह गधे की गांड जैसा कर लेते हैं जब भी इनसे इनकी करामातों के बारे में पूछा जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो आपकी ऑडियंस है ना, देखो आपकी ऑडियंस कौन है, ये बहन के लोड़े दल्ले बैठे हैं कई सारे, सुबह जिनकी सुबह भी ठरक से होती है, रात भी ठरक से होती है, ऐसे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाओ। नहीं, ठरक के बारे में ज्ञान चोद भी कौन रहा है। तू तो मेरे से ज्यादा ठरकी है, मेरे को बहुत पसंद है ऐसे ठरकी लोग, तेरी कसम बहुत पसंद है मेरे को ठरकी लोग बहुत। हैशटैग सेल्फ रोस्ट। नहीं, आपने पब्लिक को चूतिया समझ रखा है क्या? नहीं, चूतिया तो इसने सही में समझ रखा है क्योंकि एक तरफ तो ये कहता है कि बॉलीवुड हिंदुओं के बारे में गलत इन्फ्लुएंस कर रही है। बॉलीवुड के हिसाब से कौन बदमाश हो रहा है जो मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करता है, जो पुजारी है वो बेचारा, और दूसरी तरफ खुद के स्केच वीडियोस में ये ओ पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी अभी ले ओ पंडित मुझसे पड़ी गए। ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते कि बाप ओ भाई का सीन डाल रहा आमिर खान भाई, वो शिवजी भगवान। हाँ, इसकी बात बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड हिंदुओं के बारे में गलत इन्फ्लुएंस कर रही है, पर चूतिया तू भी तो वही कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले थर की हवार को दरकार नहीं, ओके? इसे कौन देख रहा है यार, इतने डेस्परेट लोग भी बैठेंगे हमारी कंट्री में, मुझे नाम बताओ भाई उसका जो इसे देख रहा है। शिट। A few moments later. Yeah, I spent maybe half my salary on this. I want people to see it, baby. मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, मुझे इस औरत से प्यार हो गया भाई, सुनो। गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैंने ID मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, माँ चोद दो, बात खत्म, उसकी माँ चोद दो, गाली बको, बैंड के लोड़े की गांड फाड़ दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। और अपनी पब्लिक से अपील करना चाहूंगा यार, तुम लोग इतने अच्छे हो, कसम से बता रहा हूँ तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज किसी को गाली मत दो, किसी के कमेंट सेक्शन में, किसी के मैसेज में प्लीज गाली मत। अरे गांड फट जाएगी भाई, यहाँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा माँ चोद दो, एक बार गाली बकली, चार बार और गाली बको, जाओ यहाँ मेंशन। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दलवी शायद अपने भी पब्लिक को छुटिया बनाने की इतनी ही कोशिश की है जितने की इस प्रिया दर्शनी ने, और अंतिम में तो आपको पता ही है कि पब्लिक को सच पता चल ही जाता है। विल पावर ऑल ऑफ महाराष्ट्र। इस वीडियो पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि इसने छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ा, और मैं बिल्कुल मानता हूँ ये गलत था, और मेरे को ये भी पता है कि इसने ऐसा क्यों करा, वो आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, पर जो शुभम मिश्रा ने इस लड़की को गाली देते हुए वीडियो बनाई वो बहुत ज्यादा गलत। नहीं, ये यूट्यूब पे ज्ञान तो पेल रहा है कि लड़की को कभी भी हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये अपने इंस्टाग्राम पे क्या करता है। नहीं मतलब एल्विश की मम्मी उसके बचपन में कहती होगी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, पर आज पता चला भोसड़ी के कितना गंदा है तू। तो चलिए अब एल्विश के कंटेंट के बारे में बात करते हैं, जब ये दूसरों को रोस्ट करता है तो चलिए इसका खुद का कंटेंट कैसा है वो देख लेते हैं। कल पापा ने मेरे तक ही नुकरा बैंक चला दिया, सुबह 10 बजे उठ के RTGS करवा रही हूं, मेरी आंख ना खुली, फिर मैंने कही पापा तब 12 बजे मैं पापा चला जाऊंगा बैंक, अब नुकरा बैंक मत जा अपनी समझा। तो ये वीडियो ऐसी थी जैसे ना कि गंदा ह्यूमर और गंदी शक्ल का मिक्सचर जब बन जाता है ना तो ये निकल के आता है। और ऐसी चूतिया वीडियो ढूंढने में मेरे को जरा सा भी टाइम नहीं लगा, मैं बस इनकी प्रोफाइल में गया और जोर सी वीडियो मेरे को सामने दिखी मैंने वो उठा ली, क्योंकि मेरे को पता था इनकी सारी वीडियो एक जैसी है, सारी इलॉजिकल है, अनफनी है, और साफ शब्द में बोलूं तो सारी चूतिया। वंस अगेन हैशटैग सेल्फ रोस्ट। तो एल्विश भाई इतने देसी हैं कि अगर इनके पॉर्नहब का अकाउंट भी देखो तो सजेशन सिर्फ और सिर्फ देसी वीडियोस की आती है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट कर देना है और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो मैं देख रहा हूँ और भाई साहब अपने भाई के 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अलविश भाई को मेरी तरफ से कोई हेट नहीं है मैं तो बस उन्हें थोड़ा सा करेक्ट कर रहा था तो ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हो सके तो अलविश भाई से भी कर देना सो बाय एंड पीस आउट।